नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अग्निपथ योजना के खिलाफ लखीसराय में फूटा युवाओं का गुस्सा, विक्रमशिला एक्सप्रेस को किया आग के हवाले। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के विरोध में जिले में कई जगहों पर हुआ बवाल, कई ट्रेनों को किया गया रद्द। प्रदर्शनकारियों की पुलिस करा रही है वीडियोग्राफी, नवगछिया एसपी बोले सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर होगी कार्रवाई। नए भवन में शिफ्ट हुआ ततारपुर और जोकसा थाना, फरियादियों को मिलेगी सुविधा। और बिजली विभाग की लापरवाही से पोल में फैला करंट, मवेशी की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। अग्निपथ योजना के खिलाफ लखीसराय में युवाओं का गुस्सा जमकर फूटा। शुक्रवार को आंदोलनकारियों ने पहले लखीसराय रेलवे स्टेशन पर जोरदार उत्पात मचाया, जबकि इसके बाद लखीसराय स्थित भाजपा कार्यालय में भी छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया। इस दौरान अग्निपथ योजना को जन विरोधी बताते हुए आक्रोशित भीड़ ने लखीसराय की सड़कों पर भाजपा विरोधी नारे लगाए और सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने भाजपा कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं से पूर्व आक्रोशित भीड़ ने लखीसराय स्टेशन पर खड़ी दिल्ली से भागलपुर जाने वाले विक्रमशिला एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया और देखते ही देखते चंद मिनटों में पूरी ट्रेन धू धू कर जलने लगी। इधर विक्रमशिला एक्सप्रेस को आग के हवाले करने के बाद मुजफ्फरपुर से भागलपुर जा रही जनसेवा एक्सप्रेस पर भीड़ का गुस्सा फूटा और ट्रेन के कई कोच को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे लखीसराय में स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई। वहीं भीड़ के इस हिंसक प्रदर्शन के कारण किउल पटना रेलखंड और किउल गया रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप हो गया और हजारों यात्री भी जहां तहां फंसे रहे। लखीसराय के कई बाजारों में भी भीड़ ने घूम घूम कर नारेबाजी की और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। भागलपुर सुल्तानगंज रेलवे ट्रैक पर अग्निपथ योजनाओं के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ छात्रों द्वारा आंदोलन को लेकर 3 ट्रेन का परिचालन रद्द कर दिया गया। वहीं बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू, सीओ शंभू शरण राय, थानाध्यक्ष लाल बहादुर, रेल आरपीएफ इंस्पेक्टर रवि कुमार और स्टेशन मास्टर दीपक कुमार ने आंदोलनकारी छात्रों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और भीड़ ने रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का चावी बॉक्स रखकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आंदोलन छात्रों ने रेलवे स्टेशन में प्रदर्शन करे सुल्तानगंज चौक बाजार में टायर जलाकर आगजनी की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आंदोलनकारी छात्रों ने अग्निपथ योजना वापस नहीं लेने पर पूरे शहर में आग लगा देने की चेतावनी दी। इस दौरान सुल्तानगंज पुलिस के अलावा रेल पुलिस बल और कई अधिकारी मौजूद थे। छात्र युवाओं के साथ नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने शुक्रवार को नवगछिया स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर रेलवे पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान एसपी ने छात्रों द्वारा प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक विचार विमर्श किया। नवगछिया एसपी ने कहा कि प्रत्येक रेलवे स्टेशन और चौक चौराहे पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जबकि नारायणपुर और खरीक में प्रदर्शन कर रहे युवाओं को समझा बुझा कर आंदोलन समाप्त करवाया गया। एसपी ने कहा कि लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन छात्रों को अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से सही जगह पर रखने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने सभी छात्रों से तोड़फोड़ और हंगामा नहीं करने की अपील की। इसके अलावा एसपी ने कहा कि आज सोशल मीडिया हर स्तर पर एक्टिव है और जगह जगह सीसीटीवी के साथ पुलिस द्वारा भी वीडियोग्राफी की जा रही है। एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि किसी को कानून हाथ में लेते देखा गया तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जबकि छात्रों के अभिभावकों से भी प्रशासन ने शांति की अपील की है। प्रत्येक चौक चौराहों पे ना, महत्वपूर्ण जगहों पे दंडाधिकारी का, पुलिस पदाधिकारी का, पुलिस बल का प्रतिनिधित्व किया गया है और हर जगह शांतिपूर्ण है। अभी दो जगह पब्लिक ट्रैक पर बैठे हुए हैं, एक नारायणपुर स्टेशन पे, वहाँ शांतिपूर्ण है। खड़ी स्टेशन पे कुछ लड़के बवाल करने की कोशिश किए तो वहाँ पर SDPO और SDO साहब पहुँच चुके हैं, समझा बुझा के शांत कर लिया गया है। वर्तमान जो रिपोर्ट हमें मिला है शांतिपूर्ण है। सभी छात्रों से, सभी युवाओं से अपील है, सभी जनप्रतिनिधियों से अपील है,
तोड़ फोड़ ना करें। लोकतंत्र है, विरोध करने का सबको हक है, विरोध अवश्य कीजिए, शांतिपूर्ण कीजिए। आप अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, आपका मेमोरेंडम हो, आप लोकल SDM साहब हैं, लोकल DM साहब हैं, सबको लिख के दीजिए, वहाँ सरकार के पास जाएगा। लेकिन तोड़ फोड़ करने से अपनी संपत्ति नुकसान पहुँचा रहे हैं, जो भी क्षति पहुंचा रहे हैं, चाहे वो रेल का हो, चाहे बिल्डिंग का हो, किसका है, कोई हमारा ही तो है। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा निर्मित भागलपुर शहर का 2 थाना शुक्रवार को नए भवन में शिफ्ट हो गया। वहीं आदमपुर में जोकसर TOP और सराय में तातारपुर थाने के नए भवन का निरीक्षण DIG विवेकानंद और SSP बाबू राम ने किया। इस दौरान CT SP स्वर्ण प्रभात, CT ASP शुभम आर्य समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि लंबे समय से इन दोनों थानों को नए भवन की तलाश थी। दोनों थानों के नए भवन में पुलिस कर्मियों के लिए बैरक के अलावा थानेदार का चेंबर, सिरिस्ता और हाजत बनवाए गए हैं, जबकि शौचालय और स्नानागार की भी सुविधा प्रदान की गई है। बता दें कि तातारपुर थाना वर्षों से जर्जर भवन में चल रहा था, जबकि जोकसर थाने के पुलिस कर्मी भी भवन नहीं होने की वजह से इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन अब इन्हें अस्थायी ठिकाना मिल गया है। नवनिर्मित जोकसर TOP और तातारपुर थाना कई सुविधाओं से लैस है। हालांकि शहर में कई ऐसे थाने भी हैं जिनका भवन जर्जर स्थिति में है, जबकि कई थानों के पास अभी भी अपना भवन भी नहीं है और कई के पास तो जमीन भी नहीं है। वहीं SSP बाबूराम ने नवनिर्मित थाना में साफ सफाई के साथ हर सुविधा से सुसज्जित रखने की बात कही। मौके पर सर्जन मेजर KK शर्मा, ततारपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा, जोकसर SHO अजय कुमार अजनबी, मुजाहिदपुर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार, दरोगा मोहम्मद कमाल, मोहम्मद आसिफ अली, मुकेश कुमार, डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान, शिशुपाल भारती, महबूब आलम समेत कई समाजसेवी एवं पुलिसकर्मी उपस्थित थे। यहाँ आज ये जोकसर थाना का नया भवन का शुभारंभ हुआ है। आज से यहाँ थाना ने काम करना शुरू कर दिया है और पूजा पाठ के बाद यहाँ जो पूरा स्टाफ है यहाँ पर आज ट्रांसफर हो गया है। हम लोगों ने भी थाना भवन का निरीक्षण किया है, जो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और इस संबंध में SHO को निर्देश दिए हैं कि थाना को इसी तरह से साफ़ सुथरा बढ़िया से मेंटेन करके रखना है। और इसमें जो कमरे या हॉल बने हुए हैं वो जिस उद्देश्य के लिए बनाए हैं उसी के हिसाब से उनका इस्तेमाल होना है। इस पर हम लोग बीच बीच में नज़र भी रखेंगे अपने भवन के दौरान। तारपुर थाना का भी नया भवन बना है, उसका भी आज से वहाँ पर कार्य शुरू होने जा रहा है। भागलपुर वार्ड नंबर 27 के मुस्तफापुर रोड में मायगंज विद्युत उपकेंद्र से सप्लाई हो रही बिजली मौत का कारण बन रही है। लापरवाही का आलम यह है कि पिछले 3 माह से स्थानीय लोग लोहा के पोल में करंट आने की शिकायत बिजली विभाग से कर रहे हैं, लेकिन विभाग किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है। शुक्रवार को पूर्व पार्षद कल्याणी देवी के आवास के सामने लोहे के पोल में करंट आने से एक मवेशी की मौत हो गई, जबकि स्थानीय लोगों की सूचना के बावजूद विभाग ने बिजली नहीं काटी। पार्षद उमर चांद ने बताया कि कुछ दिन पूर्व भी एक सफाई कर्मी करंट की चपेट में आ गया था, जिसकी सूचना बिजली विभाग को दी गई थी, लेकिन इस पर भी विभाग की नींद नहीं टूटी। उन्होंने कहा कि मोहल्ले में जगह जगह विद्युत की नंगी तार लटक रही है, जिस कारण विद्युत पोल में करंट फैल रहा है, जो कभी भी अप्रिय घटना का कारण बन सकती है। वहीं गाय की मौत के बाद लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। गुड्डू यादव ने कहा कि विद्युत पोल में करंट आने की शिकायत कई बार जिम्मेदार लोगों से की, लेकिन उनके द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण आज एक गाय को अपनी जान गंवानी पड़ गई, जबकि इस बेजुबान की जगह किसी इंसान की भी जान जा सकती है। गाय बगल से आ रही थी, यही रोड पर से गाय को करंट खींच लिया। यही पोल में लगभग 3-4 साल से करंट आ रहा। 3-4 दिन पहले 2-3 जानवर को करंट मार दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कंप्लेन इसको बहुत बार कर चुके हैं। अब हम तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉरन लौटेंगे, देखते रहिए Silk TV। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए।
बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार द्वारा 4 वर्ष के लिए सेना में अग्निपथ योजना के तहत बहाली को लेकर तिलकामांझी छात्र राजद की ओर से छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप कुमार के नेतृत्व में बहुउद्देश्य प्रशाल से विशाल आक्रोश निकाला गया। इस दौरान विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र, मारवाड़ी कॉलेज, विश्वविद्यालय थाना और कंपनी पार्क होते हुए छात्र राजद का जुलूस विश्वविद्यालय प्रवेश द्वार पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला दहन किया गया। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं ने छात्र टीओटी वापस लेने, अग्निपथ योजना वापस लेने और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा देने की मांग की। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ भी नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। मौके पर युवा राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर आनंद आजाद, राजा राधिका रमन, चनंदन यादव, आशुतोष कुमार समेत काफी संख्या में छात्र राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ नाम से छात्र नौजवान बेरोजगार विरोधी योजना लाई गई है, राष्ट्रीय हित के विरोध में योजना लाई गई है। तो केंद्र सरकार द्वारा लाई गई इसी बेरोजगार विरोधी योजना तथा राष्ट्रीय हित के खिलाफ लाई गई योजना के हम लोग आज यहां पर पुतला दहन करने का कार्य किए हैं। आपको यह मालूम हो कि जिस प्रकार से इन्होंने यह योजना लाने का कार्य किया है, इसके माध्यम से सिर्फ बेरोजगारों के साथ क्रूर मजाक नहीं किया गया है, बल्कि इसके माध्यम से इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का कार्य किया है। आप बतलाइए कि कोई भी युवक यदि 4 साल तक किसी सेवा में कार्यरत रह लेगा, उसके बाद फिर वो यदि वापस जाएगा तो वहाँ वो किस प्रकार से अपना जीवन गुजर बसर करेगा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ और कांग्रेस के दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय परिसर में मारपीट मामले को लेकर भागलपुर कांग्रेस की ओर से समाहरणालय गेट के समक्ष एक दिवसीय अनशन सह धरना प्रदर्शन किया गया। धरना का नेतृत्व बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सह भागलपुर विधायक अजय शर्मा ने किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के द्वारा राहुल गांधी से चल रही पूछताछ का विरोध जताया और कहा कि केंद्र सरकार महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर राहुल गांधी द्वारा उठाई गई आवाज को दबाने के लिए ईडी के माध्यम से परेशान कर रही है। वहीं विधायक अजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की इस साजिश का विरोध करती है और सरकारी दमन के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज दबाने के लिए उन पर बेरहमी से लाठियां चलाई जा रही है। साथ ही विधायक ने कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार को आगाह करना चाहती है कि सरकार अपनी हरकतों से बाज आए, नहीं तो देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता इस आंदोलन को और तेज कर संविधान की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी भी देने को तैयार हो जाएंगे। मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष परवेज जमाल, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अभय आनंद, विपिन बिहारी यादव, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कोमल सृष्टि, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा समेत काफी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। आप ये बताइए, 4 वर्ष के लिए किसी को नौकरी दीजिएगा तो वो काम क्या करेगा? सीखने में समय लगता है क्या? यही नौकरी बेरोजगारी खत्म करने की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं? निश्चित तौर पर पूरा देश आंदोलित है और कांग्रेस पार्टी उन आंदोलन जो कर रहे हैं उनके साथ है, क्योंकि नौकरी का एक संविधान में प्रावधान है कितने दिनों का देना है, कब रिटायरमेंट होगा। यह नीति लाके कि 4 वर्षों में हटा दिए जाएंगे, यह बिल्कुल गलत है। उम्र सीमा भी उन्होंने कम रखा है, कोरोना में कोई नौकरी नहीं हुई, आप 8 साल में कितने को नौकरी दे पाए, ये बिल्कुल गलत है। और जनता जो कर रही है, युवक जो कर रहे हैं, पूरा देश का युवक उनके खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, हर कदम कलम मिला के कांग्रेस पार्टी साथ में चले। नवगछिया स्टेशन चौक पर छात्र राजद की ओर से सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला फूंका गया। इससे पूर्व छात्र नेताओं ने नवगछिया राजद कार्यालय से रेलवे स्टेशन चौक तक विरोध मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजद कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारा लगाते हुए अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। वहीं इस दौरान प्रदर्शन में शामिल आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार की अग्निपथ योजना युवाओं के लिए काला फरमान है और यह योजना छात्र के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस योजना को वापस लेना चाहिए। इधर छात्र राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर पार्टी छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतरी है, जबकि सरकार देश के युवाओं को बर्बादी की ओर ले जाना चाह रही है। साथ ही कहा कि सरकार को इस योजना को हर हालत में वापस लेना होगा। मौके पर छात्र राजद के कई कार्यकर्ता और युवा मौजूद रहे। आज तमाम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के आह्वान पे हम लोग पूरे बिहार के हर एक जिले में
मोदी और राजनाथ सिंह का पुतला फूंकने का काम किया संपूर्ण छात्र राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से। इस काला कानून अग्निपथ के विरोध में और पीओडी के विरोध में हम लोग आज पूरे बिहार में जो है फूंकने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने जो सेना की बहाली में 4 वर्षों का लिमिटेशन किया है और संविदा पर बहाल करने की जो घोषणा की, इसके रिएक्शन में युवा राजद की ओर से राजद के नेता के आह्वान पर, तेजस्वी जी के आह्वान पर राजद कार्यालय से विरोध में बाजार होते हुए स्टेशन के सामने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया और मांग की गई कि सरकार अविलंब इस काला कानून को वापस ले। अगर सरकार इस काला कानून को वापस नहीं लेती है तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज पूरा देश जल रहा है, क्यों जल रहा है? क्या इस सरकार को चाहिए कि विपक्ष से जो विशेषज्ञ है उनसे सलाह लेकर के कोई कानून का घोषणा करना चाहिए? पुलिस जिला नवगछा के खरीक थाना क्षेत्र अंतर्गत इनिश 31 पर आक्रोशित युवाओं ने अग्निपथ स्कीम के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया, जबकि प्रदर्शनकारियों ने इनिश 31 को जाम कर आगजनी भी की। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में नवगछा एसडीओ यतेंद्र कुमार पाल भी पत्थरबाजी से घायल हो गए, जबकि पुलिस गाड़ी को भी युवाओं ने क्षतिग्रस्त कर दिया। उधर पत्थरबाजी के बाद जवाबी कार्यवाही में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। वहीं मौके पर पहुंचे नवगछा एसपी शांत कुमार सरोज ने कहा कि पुलिस ने अपनी रक्षा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फायरिंग की। साथ ही कहा कि उपद्रवित छात्रों की वीडियो फुटेज पुलिस के पास मौजूद है और इसके आधार पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो छात्रों के करियर के लिए नुकसानदेह होगा। देखिए, आज ये 3 जगह प्रदर्शन हुआ था। पहला तो नारायणपुर, वहाँ पे लोग लड़के बच्चे आए थे, शांतिपूर्ण लोग वहाँ पर लोग डिस्पर्स कर गए। फिर वहाँ से आ गया था एनएच पे, शांतिपूर्ण डिस्पर्स हो गया। फिर रंगराज चौक पे हुआ, वहाँ भी डिस्पर्स हो गया। टाउन था, टाउन में भी लोग किया था, शांतिपूर्ण डिस्पर्स हो गया। यहाँ भी कुछ लड़के आए थे हरिक स्टेशन पे, वहाँ पर SDPO साहब और SDM साहब गए थे, समझा बुझा के लोगों को वापस कर दिया गया था। वापस होने के बाद वो सारे लड़के यहाँ पर आ गए और यहाँ पे फिर वो एग्रेसिव हो गए और ईटा पथराव करना शुरू कर दिया। हमारे कई पुलिसकर्मी, हमारे SDPO, हमारे थाना प्रभारी, कई लोग जख्मी हो गए, हमारे SDM साहब जख्मी हो गए ना। हमारे पास काफ़ी हमारे पास फुटेज है, फिर अभी की गई है, एक एक को चिन्हित करके जेल भेजेंगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा फायरिंग की? हाँ, फायरिंग किया गया और फायरिंग करना मजबूरी थी क्योंकि वो लोग काफ़ी नज़दीक तक आ गया था, बड़ा ईटा पत्थर चला रहा था, उसे किसी पुलिसकर्मी की जान भी जा सकती थी। अपना जो सुरक्षा में अपना जान में रक्षा करने के लिए जवाबी कार्रवाई फायरिंग की गई थी। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र स्थित रेफर अस्पताल में आंधी तूफान आने से बिजली का तार हॉस्पिटल परिसर में गिर गया। तार गिरने से हॉस्पिटल आने वाले लोगों को और कर्मी को परेशानी हो रही है। इसको लेकर प्रभारी डॉक्टर अनुपमा सहाय ने बताया कि बिजली विभाग को कई बार इसकी जानकारी दी गई है लेकिन अभी तक ठीक नहीं किया गया। 19 मई को जो आंधी आई थी ना, उसी में तार गिरा था और हालांकि उसमें करंट नहीं है। हम लोग इसके बारे में कंप्लेन कर चुके हैं 2-3 बार बिजली विभाग को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। सूचना किए हैं वहाँ के जो जूनियर इंजीनियर है और क्या नाम है, सूचना के बारे में बताने जा रहे हैं, बता रहे हैं। और अंत में चलते चलते फिर से एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। अग्निपथ योजना के खिलाफ लखीसराय में फूटा युवाओं का गुस्सा, विक्रमशिला एक्सप्रेस को किया आग के हवाले। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के विरोध में जिले में कई जगहों पर हुआ बवाल, कई ट्रेनों को किया गया रद्द। प्रदर्शनकारियों की पुलिस करा रही है वीडियोग्राफी, नवगछिया SP बोले सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर होगी कार्रवाई। नए भवन में शिफ्ट हुआ ततारपुर और जोकसा थाना, फरियादियों को मिलेगी सुविधा। और बिजली विभाग की लापरवाही से पोल में फैला करंट, मवेशी की हुई मौत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।